नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबरों में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना का टीका नहीं लगवाना भारी पड़ेगा। जनवरी के 28 दिनों में 209 लोगों की कोरोना से मौत हुई, उनमें से 135 ने नहीं लगवाया था टीका। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक मौतें उन लोगों की हो रही है जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया। इस महीने की डेथ ऑडिट रिपोर्ट से सामने आया है कि जनवरी के 28 दिनों में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकतर ने कोई भी टीका नहीं लगवाया था। इस महीने 28 जनवरी तक कोरोना से 209 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। उनकी डेथ ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि इनमें से 135 लोगों को कोरोना टीके की एक भी खुराक नहीं लगी थी, 20 लोगों को केवल एक डोज लगाई गई थी। वहीं 54 मरीज ऐसे थे जिनको टीके की दोनों खुराक लगाई जा चुकी थी। पिछले सप्ताह रायपुर में एक 37 साल के युवक की मौत हुई। पड़ताल में पता चला कि उसने कोरोना टीके की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा का कहना है, अभी तक के हालात को देखते हुए कोरोनारोधी टीका प्रभावी लग रहा है। संभव है कि अधिकतर लोगों को टीका लग जाने की वजह से ही कोरोना की तीसरी लहर अपनी दूसरी लहर जैसी तबाही नहीं मचा पाए, लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़े। उसमें टीके की दोनों डोज लगवा चुके लाख भी शामिल थे, लेकिन इनमें से 97-98% का अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी। डेथ ऑडिट से भी यही पता चल रहा है, उन लोगों की मौत अधिक हुई है जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने कहा, लोगों को अभी भी देर नहीं करनी चाहिए, अपने नजदीकी केंद्रों पर पहुंचकर टीका जरूर लगवा लें। अभी 2 लाख लोगों ने नहीं लगवाया टीका। कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत में टीके का उत्पादन कम था, ऐसे में टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ हो रही थी। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ तो कई केंद्रों पर भीड़ संभालने के लिए पुलिस बंदोबस्त करना पड़ा। अब जब टीके का उत्पादन और आपूर्ति पर्याप्त है तो टीकाकरण केंद्रों पर लगभग सन्नाटे से हालात है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल बंद हुए तो 15 से 18 साल तक के बच्चों के टीकाकरण की रफ्तार भी धीमी आ गई है।